अरे वलीद, आप खड़े क्यों, बैठ जाए। हाँ, वो बस फातिमा का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाए तो फिर बैठ जाओ। बस अभी आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। हाँ वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो मेरा बेटा, बैठो इधर। अरे अबू, ये तो अम्मी की जगह है। अरे नहीं, आज के बाद फातिमा यहाँ बैठेगी, आखिर इसी ने तुम्हारी जगह लेनी है। बिस्मिल्लाह करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी बेटी क्या खाएगी, ब्रेड या पराठा? ये लो ये लो। जी अबू, मैं ले लेती हूँ, थैंक यू। आलिया, तुम नाश्ता शुरू कर लो। राहिल, दानिया, चाय। जी अम्मी। ये लो मेरा बेटा, ये भी लो, लो लो। तकल्लुफ बिल्कुल नहीं करना। हाँ थैंक यू अबू जी, बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करूंगी मैं, आप परेशान ना हो। दानियाल, राहिल, मैंने तहमीना बहन को मना किया था कि सुबह नाश्ता नहीं लेके आना, हम वहाँ की रस्म है। आप लोग नाश्ता करके आलिया और फातिमा को हशमत भाई के घर ले जाना। बेटा लेकिन वापस जल्दी आ जाना। जी अबू, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। अम्मी, वो हानिया? हाँ, वो सुबह चली गई ना, उसकी बहन को सुबह स्कूल जाना था ना। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। वलीद, आप खाने के टाइम पे फोन नहीं अटेंड करते तो बंद कर दें। नहीं, वो जरूरी कॉल है। चाय ठंडी है आलिया, चाय डालो आपके लिए। अच्छा बोलो। रो क्यों रही हो? अल्लाह बहुत मेहरबान है, तौबा करने के बाद इंसान के बड़े से बड़े गुनाह माफ कर देता है, लेकिन अल्लाह के बंदे इतने संदिल क्यों होते? मैंने तुमसे कहा था ना कि बेवक्त मुझे कॉल मत करना। तुम तो अपनी औलाद की खुशियां मना रहे होगे। तुमने एक बेटी खोई और 2 बेटे पाले। मेरी तो 3 बेटियां मुझसे मुंह मोड़ गई। तुम्हारी बेटियां तुम्हारी शादी ना तस्लीम कर सकी ना बर्दाश्त। तुम्हें चाहिए था कि एक बेटी को खोने के बाद तुम अपनी बाकी जिंदगी 2 बेटियों के सहारे गुजारे। तुमने भी तो अपनी बेटी के होते हुए शादी कर लिया वलीद।